आज़ाद कश्मीर हुकूमत शहरियों के बुनियादी मसाइल से बेखबर, शहरी हुकूमती कारकर्दगी से मायूस, हुक्मरानों को सुस्त करार दे दिया। मजीद भी देखेंगे मुजफ्फराबाद से फवाद अब्बासी की इस रिपोर्ट। 2021 के आम इंतखाबात में तहरीक इंसाफ ने इक्तदार संभाला तो सरदार अब्दुल कयूम नियाजी वज़ीर आज़म मुंतखब हुए। अब्दुल कयूम नियाजी का इक्तदार 9 माह कायम रहा और अदम एतमाद से बचने के लिए अपनों ही के दबाव में आकर अब्दुल कयूम नियाजी ने 14 अप्रैल 2022 को इस्तीफा दे दिया। मसनद इक्तदार पर सरदार तनवीर इलियास विराजमान हुए, लेकिन तनवीर इलियास भी अदालती फैसले के नतीजे में 11 अप्रैल 2023 को वजारत उज़्मा और असम्बली नशिस्त से नाअहल करार दे दिए गए। तो अब इक्तदार की देवी चौधरी अनवारुल हक पर मेहरबान हो गई, लेकिन इन 3.5 बरसों में अवाम के मसाइल यकसर नजरअंदाज कर दिए गए। जो वज़ीर आज़म यहाँ बनता है वो अपने इलाके में काम करवाता है। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर रियासत का वज़ीर आज़म होता है तो उसको ये चाहिए कि जिधर डेवलपमेंट की ज़रूरत है वहाँ भी अपना फोकस करें, लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि जो भी काम हुआ वो उन्होंने मीरपुर कोटली अपने डिवीजन में करने की कोशिश की और इस चीज़ के सब लोग गवाह हैं। यानी ये मैं किसी के ऊपर कोई ब्लेम गेम नहीं कर रही हूँ। मौजूदा हुकूमत के दौर में तरक्याती काम सुस्त रवि का शिकार रहा, साबिक हुकूमतों की तरफ से जारी मंसूबों को भी मुकम्मल नहीं किया जा सका है। आज़ाद कश्मीर के अंदर जो अदारे बहुत अरसे से पेंडिंग थे, जो आइनी अदारे हैं और जिन पे लोगों का तकरर होना था, चेयरमैन पब्लिक सर्विस कमीशन है, चेयरमैन साहब बैरू है और इस तरह के जो आइनी अदारे थे वो उनकी पोस्टें जो थी वो खाली थी, उनके चेयरमैन का तकरर नहीं हो रहा था। मौजूदा हुकूमत ने ना सिर्फ इन अदारों को मुकम्मल किया बल्कि इन अदारों में बड़े क्रेडिबल लोगों को लेके आए। तमाम सूरतेहाल से परेशान शहरी तहरीक आज़ादी कश्मीर और तरक्याती कामों समेत अमूमी इंतजामी बेहतरी के लिए तरजीह बुनियादों पर इक़दामात का मुतालबा करते नजर आ रहे हैं। कैमरा टीम के साथ फवाद अब्बासी, ABN न्यूज़, मुजफ्फराबाद, आज़ाद कश्मीर।